ये घाट करीबन 1896 या 96 या 98 से मतलब घाट बसा हुआ है, मुझे पूरी तरह लगभग याद है। यहाँ पे जो पहले हमने हौद का जो हौदे छोटी छोटी हौदे होकर की थी उसमें पानी ज़्यादा लगता था, अब इस मशीनों के आने से पानी कम लगता है। ये हमारी भट्टी है, धोबी वाली भट्टी है ये, और यहाँ पे हम डंडे रखते थे। डंडे रखने के बाद कपड़ों को गोल सर्कल बना बना के चार सर्कल बनाते थे और फिर उसके ऊपर कपड़े ऐसे ऐसे ऊँचे करते आते थे। सर्कल का मतलब बीच में गोल बनाते थे जिससे अंदर से जो ये जो पानी उबलेगा और उसके भाप के द्वारा वो पकेगा, और इसके पकने के बाद उसको हम फिर ढक देते थे, एक प्ले ग्राउंड बाउंड्री बना देते थे और फिर उसके बाद उन कपड़ों को पूरी तरह ढक के फिर चक्कर को उड़ा देते थे। और यह सामने का गेट होगा भट्टी का, अंदर गेट होगा तो वहाँ पर अंदर उनके खुला रखते थे, तो खुला शाम के छः बजे सुखा देते थे और फिर 15 किलो या 20 किलो खुला उसको डाल देते थे, जिसके जब बाद जितने कपड़े थे उसी घर खुला भी इस्तेमाल किया जाता। रात दिन की तरह जैसे 3 बजे रात को उठ के कपड़ों की कुटाई करते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, इसी तरह हम मतलब अपने जो है अपने लखनऊ का एड के 12 बंकी गोंडा फैजाबाद उन्नाव उन्नाव एक एक दो फैमिली होगी हर कोई। जिन बच्चों की रुचि पढ़ने में है वो तो नहीं इंटरेस्टेड है इसमें, जिनके भी पढ़ने में रुचि नहीं है वो तो थोड़ी सी, मतलब जैसे हमारे छोटे छोटे घर बनाए गए हैं इनको तो थोड़ा बड़ा करके बनाया जाए जिससे मैं कपड़े रखने की दिक्कत ना हो। ये